जिसमें आपको बताऊंगा कि दिल्ली जल बोर्ड में ऐसा क्या हुआ जो केजरीवाल को जेल पहुंचा सकता है क्या, वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज कौन से हैं जो केजरीवाल से कट्टर ईमानदारी का सवाल पूछ रहे हैं। अब जरा इसका चैप्टर देखिए। अरविंद केजरीवाल एक साथ इतनी जांच में फंसते चले जा रहे हैं कि अब तो ईडी जब उन्हें समन भेजती है तो यह पूछना पड़ता है कि बॉस कौन से मामले में समन आया है, जरा बता दीजिए। उन्हें ईडी इतने समन भेज चुकी है कि हिसाब रखना पड़ता है कि अब कौन से नंबर का समन आया, पहले कौन से नंबर का समन आया था। अरविंद केजरीवाल इतने मामलों में घिर रहे हैं कि अब सीबीआई अगर उन्हें किसी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो चेक करना होगा कि बॉस कौन सा मामला है, शराब घोटाले का मामला है, शीश महल का मामला है, या दिल्ली जल बोर्ड का मामला आ गया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार में शामिल लोग इतने मामलों में फंसे हैं कि जांच एजेंसियां भी सोचती होंगी कि अगर अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए आए तो उनसे बाकी मामलों में भी पूछताछ कर लें क्या, क्योंकि वैसे तो वो समन भेजने पर आसानी से आते नहीं है। जैसे अरविंद केजरीवाल अब एक नए मामले में फंस रहे हैं, उन्हें एक और मामले में ईडी ने समन भेज दिया और यह मामला दिल्ली जल बोर्ड में हुए कथित 38 करोड़ रुपए की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आज हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है जिससे यह पता चलेगा कि दिल्ली जल बोर्ड का जो नया मामला आया है उसका केजरीवाल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं। इस मामले में ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ अभी कोई सबूत है या नहीं। क्या ईडी को फरवरी में केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार के ठिकानों पर छापे में कुछ ऐसा मिला है जिससे केजरीवाल फंस सकते हैं, और क्या इसलिए ईडी उन्हें बुलाना चाहती है। अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे तो ईडी क्या क्या सवाल कर सकती है, यह सारी जानकारी आज आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। दिल्ली जल बोर्ड में मामले में ईडी ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल को समन भेजा, लेकिन जैसा अक्सर होता है अरविंद केजरीवाल ने समन का पालन नहीं। अब यह समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली जल बोर्ड में हुए कथित घोटाले का कनेक्शन क्या है जिसके लिए ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। देखिए जो कहा जा रहा है पहले उसको सुनिए। यह जो पूरा मामला है, यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है किससे, दिल्ली जल बोर्ड से। दिल्ली जल बोर्ड इससे जुड़ा मामला है। तो अभी जो नया समन आया है वो शराब घोटाले वाला नहीं है। मामला कब का है, मामला बताया जा रहा है 2018 का है, और 2018 में चेयरमैन कौन थे, 2018 में चेयरमैन कौन थे दिल्ली जल बोर्ड के, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन थे जब वहां पर कथित घोटाले का आरोप लग रहा है। यानी जब दिल्ली जल बोर्ड में कहा जा रहा है कि जो घोटाला हुआ उस वक्त अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन थे, इसलिए ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती। तो यह बात तो क्लियर हो गई कि ईडी क्यों अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही। हालांकि ईडी के समन को फिर से स्किप करने पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी कह रही है कि यह मामला तो किसी को पता भी नहीं है, किस चीज की जांच हो रही है। एक बार आतिशी को सुनिए फिर हम बताते हैं कि घोटाले का आरोप जो लग रहा है उसकी डिटेल क्या है। ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है, इसमें किस चीज की जांच हो रही है, क्या कह रहे हैं कि क्या घोटाला हुआ, ये किसी को नहीं पता कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है। मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी, उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को दो और समन भिजवा दिए। ये क्या है, ये कैसी गुंडागर्दी है। सवाल इस बात का नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये गुंडागर्दी है या नहीं, सवाल इस बात का पूछा जाना चाहिए कि इतने समन भेजने के मामले कैसे निकल कर आ रहे हैं बॉस, जो लोग राजनीति बदलने आए थे उनके ऊपर। अगर दिल्ली की मंत्री आतिशी को यह नहीं पता कि जल बोर्ड वाला मामला क्या है तो हम विस्तार से समझा देते हैं, आप भी सुनिए। दरअसल आरोप है कि साल 2018 में दिल्ली जल बोर्ड ने एक ऐसी कंपनी को किसी काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं थी, योग्य नहीं थी। इस कंपनी का नाम है एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसे करीब 38 करोड़ रुपए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की इंस्टॉलेशन, सप्लाई और टेस्टिंग का टेंडर जारी हुआ। जांच करने में सामने आया कि कंपनी को टेंडर देते समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ दिया गया और उस लाभ को देने की एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। आरोप है कि टेंडर मिलने के बाद एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल कुमार अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति की कंपनी
इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड को भी भागीदार बना लिया और इसके बदले में अनिल कुमार ने दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा को रिश्वत दी आरोप लगा। ईडी ने इस मामले में सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच की जांच के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की। दरअसल आरोप लग रहे हैं कि एक कंपनी को दिल्ली जल बोर्ड में फर्जी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और बदले में रिश्वत ली गई, लेकिन इस घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया उसका आरोप भी आपको बताता हूं। दरअसल साल 2017 में दिल्ली जल बोर्ड ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला, इसमें चार कंपनियां शामिल हुई जिसमें एनकेजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को और एनकेजी कंपनी को यह पता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है। आरोप है कि इसका यह रास्ता निकाला गया कि कंपनी ने फर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिखा दिया और इसमें दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप है। हालांकि टेंडर के वक्त दिल्ली जल बोर्ड को एनकेजी के खिलाफ शिकायत मिल गई कि बॉस ये तो कंपनी एलिजिबल ही नहीं है, इसको कैसे टेंडर मिल रहा है। तो दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने अपने दो अधिकारियों को आरोपों की जांच के आदेश दिए। आरोप है कि दोनों अधिकारी ग्राउंड पर गए, उन्होंने जांच की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकली एलिजिबल नहीं है और इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की सिफारिश कर दी। अब आरोप यह है कि इस दिक्कत को दूर करने के लिए दूसरा खेल शुरू हुआ, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं इसको नहीं मिलना चाहिए तो देने के लिए दूसरा खेल शुरू होने का आरोप है। दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने अपने कुछ और अधिकारियों के साथ मिलकर एक नई नोट शीट बना दी और ऐसा ही खेल कर दिया जिससे कंपनी टेक्निकल ग्राउंड पर एलिजिबल हो गई और इसी वजह से कंपनी को 5 साल के लिए 38 करोड़ का टेंडर मिल गया। यह आरोप ईडी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने जो 38 करोड़ का टेंडर दिया था उसमें से सिर्फ 17 करोड़ खर्च हुए और बाकी 21 करोड़ रुपए के फर्जी खर्चे दिखाए गए। आरोप है कि यही पैसा रिश्वत के तौर पर बांट दिया गया। इस मामले में टाइम्स नाउ भारत को वो दस्तावेज भी मिले जिससे यह पता चलता है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की तरफ से ऑन पेपर कहा गया था कि एनकेजी कंपनी एलिजिबल नहीं है, देखिए हम आपको कागज दिखा रहे हैं, बावजूद इसके ठेका दे दिया गया। पीडब्ल्यूडी मेंबर ने सीवीसी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा था कि यह टेंडर नहीं दिया जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी मेंबर की तरफ से कहा गया था कि एनकेजी को 25% ज्यादा रेट पर टेंडर दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी मेंबर ने ऑन रिकॉर्ड टेंडर को रिजेक्ट करने की सिफारिश की और संबंधित पेपर पर सिग्नेचर करने तक से मना कर दिया। अब इस मामले में अलग अलग किरदार भी हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। इसमें एक दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा हैं जो इस साजिश के मुख्य आरोपी हैं और इस वक्त ईडी की गिरफ्त में। एक तेजिंदर पाल सिंह है जो सीए और जगदीश अरोड़ा के करीबी हैं, आरोप है कि इसी के जरिए रिश्वत का पैसा इधर से उधर किया गया। एक अनिल अग्रवाल है जो कॉन्ट्रैक्टर है और एनकेजी इंफ्रा के साथ शामिल कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज इंडस्ट्रीज की कंपनी अनिल अग्रवाल की ही है। अनिल अग्रवाल भी ईडी के शिकंजे में, इतने लोग ईडी के शिकंजे में और आतिशी जी कह रहे हैं कि लोगों को तो पता ही नहीं कि मामला क्या है। एक किरदार एनकेजी इंफ्रा लिमिटेड, यह भी अनिल अग्रवाल की कंपनी है जिस पर फर्जी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेने का आरोप है। एक किरदार है एनबीसीसी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इसके तत्कालीन जनरल मैनेजर हैं एक किरदार, जिनके रहते हुए एनकेजी को फर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिए गए, आरोप है। इसके अलावा सीबीआई की एफआईआर में कुछ अज्ञात लोगों का भी जिक्र है और यह अज्ञात लोग तो कोई भी हो सकते हैं। अब यह समझिए कि इस कथित घोटाले में पैसा कैसे इधर से उधर हुआ। कहा जा रहा है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को 38 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। जब मिला तो उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन थे अरविंद केजरीवाल और चीफ इंजीनियर थे जगदीश अरोड़ा और उसी जमाने में 38 करोड़ का ठेका मिला। अब यह कहा जा रहा है कि जैसे ही कंपनी को ठेके का पैसा मिला, अनिल कुमार अग्रवाल जो एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्ता धरता थे, दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर को रिश्वत पहुंचाई जाने लगी। यह आरोप, करीब 2.5 करोड़ की रिश्वत कैसे पहुंचाई गई उसके बारे में कहा जा रहा है कि आरोपी अनिल अग्रवाल ने अपनी दूसरी कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड से ढेर सारे कॉम्प्लेक्स रैंडम ट्रांजैक्शन शेल कंपनियों को करवा दी। इसके बाद अलग अलग लोगों से कैश कलेक्ट कराया जिसके लिए फेक वर्क रिसिप्ट बनाई गई। जांच में यह भी पता चला कि कोई भी रिसिप्ट सही नहीं थी, सब फर्जी बिल थे। आरोप है कि अनिल अग्रवाल ने जगदीश अरोड़ा के सीए तेजिंदर पाल सिंह के करीबियों
और उनकी कंपनियों को भी पैसा दिया जो कि अलग अलग सोर्स से कुल 2.5 करोड़ रुपए जगदीश अरोड़ा तक पहुंचे। जगदीश अरोड़ा को यह पेमेंट टेंडर दिलाने के बदले रिश्वत के तौर पर देने का आरोप है। यानी टेंडर कुल 38 करोड़ रुपए का था, 17 करोड़ खर्च हुए और बाकी के पैसे जो है वो रिश्वत के तौर पर दिए गए। आरोप ईडी का आरोप है कि इसी रकम में से कुछ पैसा दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े आम आदमी पार्टी के नेताओं को गया और कुछ पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में गया। अब कहा जा रहा है कि इन्हीं बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब हो सकते हैं। अब सवाल जवाब में पूछा क्या जा सकता है आपको वो भी बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल से पूछा जा सकता है कि जैसे 2018 में मीटर लगाने के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया, क्या उस कंपनी को आप पहले से जानते हैं? क्या आपको कोई जानकारी थी कि यह कंपनी टेंडर के लिए एलिजिबल थी या नहीं? क्या दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए इस कंपनी को टेंडर देने की आखिरी मंजूरी आपने ही दी थी? क्या टेंडर का बजट बढ़ाकर दिया गया और क्या आपको इसकी जानकारी थी? गिरफ्तार हुए अधिकारी जगदीश अरोड़ा से क्या किसी तरह से के पैसे की लेन देन हुई? टेंडर को लेकर पीडब्ल्यूडी के एक मेंबर ने आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी टेंडर को आगे क्यों बढ़ाया गया? क्या आपकी इसमें सहमति थी? ये वो कुछ सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये तो तब होगा जब अरविंद केजरीवाल पेश होंगे समन को देखते हुए।